कौशाम्बी जिले में शुक्रवार को बेटी दामाद और ससुर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से आक्रोशित परिवार ने आस पड़ोस के घरों में आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम हालात को काबू करने में लगे रहे। वारदात के पीछे भूमि विवाद का मामला सामने आया है। प्रयागराज मंडलायुक्त ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। क्षेत्र के छबिलवा निवासी 62 वर्षीय होरीलाल की जमीन पंडा चौराहे पर है, जिसका कुछ लोगों से विवाद चल रहा है। होरीलाल ने विवादित भूमि पर कब्जा करके झोपड़ी बना ली है। यहाँ पर वो अपनी बेटी ब्रिजकली और दामाद शिव सागर के साथ रहता था। शिव सागर ने पास में ही किराए की दुकान लेकर सहज जन सेवा केंद्र खोल रखा था। गुरुवार रात होरीलाल अपने दामाद और बेटी के साथ झोपड़ी के बाहरी हिस्से में सो रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने गोली मारकर बेटी दामाद और ससुर की हत्या कर दी। शुक्रवार की भोर में परिवार के लोग पहुंचे तो खून से सनी लाशों को देखकर आक्रोशित हो गए। तेहरे हत्याकांड की खबर सुनकर अन्य लोग भी आ गए और इस घटना से गुस्साई भीड़ ने बंद घरों को आग के हवाले कर दिया। सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि हालात पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रयागराज के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बताया कि अभी तक मामले में जो तथ्य सामने आए हैं उनमें होरीलाल के पक्ष द्वारा कहा गया है कि उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति से जमीन एग्रीमेंट कराई थी। उसी एग्रीमेंट के आधार पर वे अपनी बेटी और दामाद के साथ रह रहे थे। इसका एक वाद सिविल कोर्ट में चल रहा था। चूंकि अभी बताया गया है जिनके एग्रीमेंट था उन्होंने ग्राम सभा के नाम वाद किया हुआ था, इसकी कार्यवाही चल रही थी। चकबंदी अधिकारियों पर अवैध वसूली के आरोप के बाबत आयुक्त ने कहा कि जांच में यदि कोई भी दोषी पाया गया तो सख्त कार्यवाही होगी।